सेल्फी। अब हम जा रहे हैं जैक एंड जॉन्स, यहाँ पे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। स्लिम फिट टी शर्ट के सिर्फ दो कलर, ब्लैक और वाइट। लगता है दिवाली की सजावट अभी तक इन्होंने उतारी नहीं है। इधर ही बता रहा है वो जैक एंड जॉन्स डी ब्लॉक में। जीन्स देख, इसमें मेरे को लगता है पसंद आ जाएगा तेरे को। तुझे फटी हुई चाहिए क्या? स्पाइकर में देखना, फिर स्पाइकर में आते हैं फटी हुई। अच्छा है भाई ये, अच्छा लग रहा है। टर्की कलेक्शन आता है ना, वो है उसका। टर्की कलेक्शन बढ़िया है भाई, क्लॉथ भी डिफरेंट है इसका। उससे 31 है, उसे ट्राई कर लो। ये 31 32 भी आ जाएगा, ऑड में भी आता है क्या? हाँ, हमारे पास आते हैं। ये दूसरी फिटिंग है, ये साइज छोटा है। नहीं, वो स्लिम फिट है, ये रेगुलर है, स्लिम आती है। ये तो बहुत ही हार्ड कपड़ा है, ये मतलब फील कर पा रहा हूँ जैसे लिखा है ना। हाँ, ये अच्छी है क्योंकि जो इसका नीचे का है ना वो जीन से मैच कर रहा है। तो पहले वाली भी वो अच्छी लगी। ये वाली भी ट्राई कर। कौन सा बताया है आपने मटेरियल? सेल्वेज डेनिम बोलते हैं इसे, प्योर रॉ डेनिम होता है, जो एक डेनिम का ओरिजिनल फैब्रिक होता है। अच्छा, तभी ये काफी वो एक्सपेंसिव प्रीमियम और एक्सपेंसिव होने का एक और रीजन है कि ये इंपोर्टेड डेनिम होते हैं, इंपोर्टेड फैब्रिक होते हैं। टर्की कलेक्शन, टर्की कलेक्शन, ये मेड इन इटली होती है। इससे ऊपर भी है कोई? नहीं। किसने? रणवीर सिंह जी। रणवीर सिंह खुद ही आए थे पहनने। मॉडल है और ठीक है। ओके भैया, बाय बाय। KFC से पूछता हूँ मैकडोनल्ड का है कि यहाँ पे एकदम जगमगा रही है लाइटें सारी। हो रहा सामने, हो रहा देख। ये ओरियो चोको क्रंच है जो एरो सिटी में ली थी, लग रहा था कि उसने खा ली। और ये देखो, ये एकदम पूरे कायदे से दी हुई है इन्होंने। फिर से बोल रहा है, मेरा गेस्ट नहीं है। जीरो है, कोई भी नहीं है। अभी यही कह रहे थे कि जीरो जने अंदर कोई भी नहीं है, खाली है, गेस्ट नहीं है। तो ये कह रहा हूँ, शो टाइम पे आ जाओ, गेस्ट आ जाए। सुनो, हमारी पीछे वाली सीट की रिजर्वेशन कर दोगे पहले से? पीछे की दो सीट पूरा शो ही खाली है। पिक्चर अच्छी नहीं है क्या, जो लोग देखने नहीं आ रहा? कोई मूवी अच्छी है, पता नहीं अब क्यों नहीं आ रहे गेस्ट। सुनो तो सही, आप आज हमारे साथ देखने। एक आप हो गए, हम तीन हो गए, भैया आ गए, चार हो गए। ये नया तो नहीं खुला हुआ? नहीं, पुराना है। नहीं, क्या पता लोगों को पता ना हो। ऑनलाइन गेस्ट आते हैं, ऑफलाइन भी आते हैं। सिटी में यार क्यों नहीं होगा? हाँ, वैसे कनॉट प्लेस में है तो होना तो चाहिए। मतलब कनॉट प्लेस में भी कोई देखने नहीं आ रहा तो कुछ तो बात होगी। यूट्यूब का टाइटल दे दिया कि मैंने पूरा हॉल बुक करा है। मैंने आप टिकट ले लीजिए, मैंने मना थोड़ी किया आपको। वही आप अगर गेस्ट आएंगे तो ठीक है, नहीं तो आप तो अपना ले लीजिए टिकट, आप अपनी मूवी एंजॉय कर लीजिए। और हम कह देंगे पूरा हॉल बुक किया। ये सही आइडिया दिया आपने। यहाँ पे मूवी नहीं देखने आ रहा सिद्धार्थ मल्होत्रा की। अजय देवगन की। अजय देवगन है क्या? कितनी है IMDb? 6.6। वैसे मैं तो 9.9 से नीचे वाली नहीं देखता ना। तो इलेक्ट्रिक बस चल पड़ी यहाँ पे। अभी हमने बुक माई शो में देखा, सीट्स काफी बुक दिखा रहा था और अब यहाँ पे सब खाली दिखा रहे। दोस्तों पहले ये कह रहे थे कि लोग नहीं अंदर देखने वाले, अब ये खुद भी चले गए यहाँ से। कहाँ चले गए? और कोई मूवी नहीं है क्या? है, इसमें बोलो, इसमें इसमें उसमें बोलो, उसमें उसमें बोलो, माइक में है क्या? इससे पहले कोई मूवी है? और यही मूवी है और नहीं है मूवी। वहाँ पे मूवी तो हम देखने नहीं जा रहे, अब हम वहाँ पे जा रहे हैं जहाँ हमने पहले मूवी देखी थी, पोनियन सेल्वन 1 PS 1 वसंत कुंज में। वहाँ पे हम फिर से मूवी देखने जा रहे हैं और फिलहाल अभी हम मैं कनॉट प्लेस में। पहुंच गए हम अपना मॉल में और यार भैया से मिलके बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। भैया यार इतने भैया, एंटरटेनिंग भैया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। ऐसे टैक्सी वाले भैया मिले ना हर बारी मेरे को तो भाई मजा ही आ जाए। भाई इतने भैया, इतने चिल भैया, बाय बाय। चाइल्ड लॉक लगाया हुआ है, ये भी तो बच्चा ही है। थैंक यू गार्ड भैया, भी वेलकम बोलते हैं यहाँ पे। मैंने भी कह दिया थैंक यू। यहाँ का सारा देखो कितना लग्जरी लग रहा है अंदर से। एक चल रही है, एक बंद पड़ी है, और जब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये भी चल जाएगी। ये देखो, एक दो तीन, चल ही नहीं रही भाई। चल पड़ी। मैं एकदम स्लो स्लो आया था तो इसे पता नहीं लगा कि कोई आया है। जब मैं एकदम से आया तब चल पड़ी है।
दोस्तों आज हम जाने लगे हैं डीएलएफ एम्पोरियो। यहाँ हम पिछली बार नहीं गए थे पर आज जाने लगे हैं। इसके अंदर भाई गुच्ची शुची लुई विटोन सब है इसके अंदर, तो आज हम जा रहे हैं देखने। भाई इसमें तो स्पेशल लिखा हुआ है कि सिर्फ 7 ही जने अलाउड है अंदर। ये देखो सिर्फ 7 बंदे अलाउड है अंदर। वर्साची भी है यहाँ पे, ये असली वाला वर्साची है, नकली वाला नहीं है। टॉम फोर्ड भी है, हम बहुत सुनते थे गानों में टॉम फोर्ड। भाई इसमें तो मैक्सिमम 2 ही जने अलाउड है अंदर, तो घूमना फिरना तो बिल्कुल भी यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, जैसे हम घूमने फिरने भाग जाते हैं अंदर। ये है भाई भाई माउंट ब्लैंक, यहाँ पे तो भाई स्पेशली 3 जने लिखे हैं अंदर जा सकते हैं जो उनसे। ये है भाई एलवी लुए विटोन, ये देखो भाई साहब। अभी 11 बज गए हैं तो लेट हो गए हम, तो एकदम सब कुछ बंद हो रखा है यहाँ पे। अच्छा बाउंसर है ये उनके, अच्छा रणवीर सिंह है। अब फिलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी मूवी देखने जो कि हमने बुक कराई हुई है, थैंक गॉड है जिसका नाम। जा रहे हैं हम मूवी देखने, अभी तो फिर भी खुला हुआ है थोड़ा बहुत, जब खत्म हो जाएगी तब हम यहाँ से जाएंगे, तब एकदम ही बंद हो जाएगा सब कुछ। अगले 5 घंटे तुम्हारा ऑपरेशन चलेगा। किसको नहीं पता होता कौन से फ्लोर में जा रहा है, पूरा टाइम बर्बाद कर दिया। ओहो माफी चाहूंगा सर, ये तू ही है। 8 सेकंड मैंने वेस्ट किया, आई एम रियली सॉरी। 8 सेकंड हो गए, शुरुआत में कुरकुरी भिंडी और 2 मिनट का खाना खाने चल रहा था, उसका क्या? ये तो तू ही है। वो तो कौन से इतने बिजी आदमी हो तुम, देखने में तो एकदम वेल्ले लगते हो। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ मेरे मरने के बाद मेरी दोनों किडनी मेरी बीवी और बच्ची को दे दी जाए। ये देखो भाई आज की मूवी तो 2 बजे खत्म हुई है, और भाई आज भी फिर वैसे का वैसे ही। मेरे फ़ोन की बैटरी आज 15% और मेरे दोस्त का डेड हो गया, अंदर चार्ज हो रहा है कि इससे चार्जर बोरो करा है हमने। जितनी देर यहाँ हमारा फ़ोन चार्ज होता है उतनी देर यहाँ के भैया से मुझे एक बात पता लगी है। मैंने कहा भाई ये कितने बजे बंद होंगे, ये हल्दीराम, ये भी हल्दीराम, क्विनीज और बाकी जो भी है सागर रत्ना मैकडोनल्ड्स डोमिनोज, तो वो भाई मेरे को कहते हैं बंद नहीं होते, ये खुले ही रहते हैं। सबका खुला है, मतलब ये सिर्फ हल्दीराम का ही नहीं है, मतलब पूरा ये जितना भी यहाँ पे फूड कोर्ट है वहाँ पे मैकडोनल्ड से लेके डोमिनोज से लेके सारा। और ये है भाई पीवीआर जहाँ से हम अभी मूवी देख के आए, और ये मैकडोनल्ड्स, ये भैया काम कर रहे हैं। यार मेरा इसमें इसलिए इंटरेस्ट आया क्योंकि रात के भाई 2 बज चुके हैं और 2 बजे हैं, मैंने कहा अभी तक शटर बंद नहीं करा इसका, क्योंकि मुझे लगता था कि शटर बंद होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तब भी ये ओपन था, तो मैंने कहा अब भी ये ओपन है तो ये बंद नहीं हुए अभी तक, क्या सीन है? तो मैंने भैया से पूछा, ये सब ओपन ही रहते हैं उन्होंने बताया। अभी मैंने देखा वहाँ सामने से भैया लोग वो लेके जा रहे थे बर्गर के बन जो होते हैं वो लेके जा रहे थे। दोस्तों लास्ट टाइम हमने यहाँ से एग्जिट मारी थी और फिर हम ऐसे घूम के पूरा वहाँ उस साइड गए थे, पर इस बार हम आगे से लेफ्ट ही हो जाएंगे। यहाँ से ही हमने एंट्री मारी थी, एंट्री में लॉक ही लगा दिया उन्होंने कि कहीं हमारे जैसे बंदे हैं एंट्री से एग्जिट ना कर ले। यार बाहर अब सांस आई है जाके, यहाँ पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, काफी बढ़िया लग रहा है अब बाहर आके। डेकोरेशन बहुत सही कर रखी है भाई यहाँ से, आराम से 4 बक्स से कॉफी लो और बैठ जाओ बाहर। ये डीएलएफ प्रोमेनेड है, इसके साइड में एम्बियंस है और उस साइड में वो लग्जरी वाला है जो मैंने आपको दिखाया। अभी इलेक्ट्रिक कार है, मैं पहली बार ही बैठा हूँ इलेक्ट्रिक कार में और भाई एकदम ही कोई भी साउंड नहीं है, शोर नहीं है, एकदम ही साइलेंटली चल रही है, पता ही नहीं लग रहा कि भाई कार में बैठे हुए हैं नहीं। अब इलेक्ट्रिक तो बहुत हो गई है, मतलब आज मैंने दिल्ली में इलेक्ट्रिक बस देखी, वो भी मतलब इलेक्ट्रिक बस भी आ गई है ना।